मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां का जनता से वर्चुअल संवाद। अब्दुल्ला आजम जब आजम खां की तबीयत बयां कर रहे थे तो बीच में ही रो पड़े। नवभारत समाचार रामपुर से इसरार नबी की रिपोर्ट। उसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो जो हो वो अपने घर जाके मैंने दुआ करी कि अल्लाह जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत बस तू मेरे बारे में कुछ बचा। मेरे घर को, मेरी बीमार माँ, मेरी बीमार माँ, 75 साल की उम्र की मेरी बीमार माँ, जिसे 35-40 साल बच्चों को पढ़ाया और रिटायरमेंट के बाद यूनिवर्सिटी का काम देखने लगी, वो बीमार माँ जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई जेल जाने से पहले, तो ब्लेड और स्क्रू से उसकी हड्डी बनाई गई। एक ऐसी बीमार था। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कोई मेरा मुखालिफ हो सकता है, आजम खां साहब का मुखालिफ हो सकता है, लेकिन शायद पूरे जिले में ढूंढने से एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरी बात का मुखालिफ हो। वो बीमार ना मेरी बेगुना बेखता 10 महीने तक जेल में रखी गई, जेल में रखी गई। हफ्ते में एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए मिलवाया जाता था शनिचर के रोज, 10 मिनट के लिए। और जो सिपाही महिला बैरिक की ड्यूटी पर होता था, अगर मुझे कभी मिल जाया करता था तो मैं पूछता था, ठीक तो है? शनिचर के अलावा बस एक रोज उनसे मुलाकात और हुई थी, वो बीमार औरत अपने बैरिक से निकलकर बाहर गई, ठोकर लगी, गिरी और कंधा टूट गया। उसके बाद भी इस नाइंसाफी को करने वालों ने नहीं आना। ये मेरी दास, मैंने वो काम देखे। यहां पर बहुत से लोगों ने बहुत काम देखे, बहुत से अपनों को खोया है। यही शाहरुख खान खड़े हैं, अपने वालिद के इंतकाल में शरीक नहीं हो सके। मैं आज तक अपनी नानी के इंतकाल में नहीं जा सका, ना ताजियत में जा सका। मैंने अपने वालिद को, लोग कहते हैं कि मोजे होते हैं, मैंने मोर्चा होते हुए देखा है। सच कहता हूं, जब बाबा की तबीयत ठीक हुई
तो मैंने एक बात कही कि इलाज तो बहुत हुआ लेकिन शायद किसी ऐसे ने दुआ कर दी जिसकी दुआ मालिक ने नहीं डाल सका। मुझसे डॉक्टरों ने खुद कहा जब मैंने जिद करी कि मुझे तबीयत बताई जाए, क्योंकि हम दोनों अलग अलग कमरों में थे, आईसीयू में थे, मैं ऊपर था और इतनी फोर्स लगी थी कि जैसे पता नहीं कौन आतंकवादी बन गए। तो जब डॉक्टर मुझे देखने आए, क्योंकि वही टीम उनका भी इलाज कर रही थी, तो मैंने बस इतना पूछा कि अब कैसी तबीयत है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो हमसे बन पड़ रहा है हम वो कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ है। और जब उनको बाहर से ले जाने लगे मेरे पास से आईसीयू, तो बेहोशी की हालत में थी। जाते वक्त 2 मिनट में आंख खुली और मुझसे कहा बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, तो जो हो वो अपने घर जाके मैंने दुआ करी कि अल्लाह जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत बस तू मेरे बारे में बस मैंने बहुत बुरा दौर देखा, बहुत सी रातें ऐसी आईं जब ऐसा लगा कि आने वाला सवेरा देखने के काबिल नहीं बचे और जेल में ही मार दिए जाएंगे। तमाम बातें, पूरा इलेक्शन है, आप सबसे मुलाकातें भी होंगी, लेकिन एक बात बस कह रहा हूं, जब लोग जेल में मुलाकात करने आते थे तो वो यही कहते थे कि आजम भाई जब से आप गए हो ऐसा लगता है कि सर पे से सरपरस्ती खत्म हो गई है। ये बात अपने दिल में है बल्कि लेकर जाइएगा कि आजम खान कोई इंसान नहीं है, मेरा और आपका गुरूर है।